गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आपका दोस्त अमित फ्रॉम एक्सट्रीम शॉर्ट लेक कोलकाता। गाइस मैं फिर से एक नया थर लेके आ चुका हूं जो कि उड़ीसा से आए हैं। मैं एकदम ब्रांड न्यू कार है। सर को बहुत कुछ लगाना है, हेडलाइट्स लगाना है, इसका टेल लाइट्स लगाना है, इसका रेयर रिफ्लेक्टर लगाना है, DRL लगाना है, फॉग लाइट प्रोजेक्टर्स लगाना है, इसका सीट कवर्स लगाना है, आर्मरेस्ट लगाना है और बहुत सारा चीज, 70 मैट्स, वूफर्स, एम्पलीफायर्स एंड एवरीथिंग। सो गाइज लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, मैं स्ट्रेट वाइज आप लोगों को लेके चलता हूँ थार का सामने, और थार में क्या क्या होने वाला है मैं आपका एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो थार ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। यस गाइज आप देख सकते हो जो कि आपका उड़ीसा से आया हुआ है थार। आप देखो गाइस ये उड़ीसा से आया हुआ है थार। यस गाइस इसमें ऑलरेडी सीट कवर खुल चुका है। इसका जो ये है आपका हेडलाइट्स का काम भी चल रहा है। यस गाइस आप देखो इसका हेडलाइट्स का काम भी चल रहा है। देखो ऑलरेडी सामने का बंपर भी खुल चुका है। इसका DRL वगैरह ये सब लग जाएगा, प्रोजेक्टर्स भी लग जाएगा गाइस। हेडलाइट्स आप देख सकते हो गाइस, हेडलाइट्स भी लग रहा है। उसका बहुत सारा काम बाकी है। इसमें जैसा डोर हिंज भी लगना बाकी है, डोर हिंज भी लग रहा है इसका। आप देख सकते हो गाइस पीछे का जो ये है आपका टेल लाइट्स है वो भी लगना बाकी है। अभी पीछे का टेल लाइट्स काम चल रहा है, सीट कवर्स का भी काम चल रहा है। सीट कवर्स ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं, सीट कवर्स का भी काम चालू है गाइस। इसका रेयर रिफ्लेक्टर्स भी लग जाएगा। सो गाइज ओवरऑल इसमें वूफर्स, एम्पलीफायर सभी कुछ लग जाएगा। आप देख सकते हो गाइज सीट कवर्स भी काम चालू है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सीट कवर्स। सो गाइज आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, सीट कवर्स काम भी चालू है, सीट कवर्स भी लगना बाकी है। अभी जस्ट अभी काम पकड़ा हूँ, लेट सी कितना देर में काम खत्म होता है। सो गाइज मैं जैसा आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ, डिटेल्स में जैसा मैं वीडियोज बनाता हूँ, तो आज भी डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिले या थोड़ा सा लाइट सफिशिएंट रहे तो मैं डेफिनेटली इसको सुना के मैं जैसा डिटेल्स में बोलता हूँ आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो गाइज आप लोग जैसे हम लोग को प्यार बरसा रहे हो ऐसा ही बरसाते रहो। और गाइज आप लोग जानते हैं मेरा चैनल का नाम कार क्राफ्ट कोलकाता। तो गाइज आप लोग बहुत सारा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी थार का डोर हिंज का काम चल रहा है। यस गाइज डोर हिंज का ऑलरेडी काम चल रहा है भैया, अभी डोर हिंज का काम में लगा हुआ है। सो गाइज ओवरऑल इसका काम बहुत अच्छा फिनिशिंग होने वाला है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग का काम चालू है, और हम लोग जैसा इसको लाइट सेटिंग करते हैं आप देख सकते हो इसका लाइट भी सेटिंग हो रहा है। एंड जो ऑलरेडी हेडलाइट्स लग चुका है, इसका DRL लग चुका है, इसका फॉग लाइट भी लग चुका है गाइज। मैं आपको सब एक एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग देखते रहिए कैसा लग रहा है। आप लोग डेफिनेटली इसका कमेंट कीजिएगा गाइज। तो गाइज आप लोग देख सक रहे हो ऑलरेडी इसका हेडलाइट्स लग चुका है। आप लोग देखो गाइज हेडलाइट, इसका DRL भी लग चुका है गाइज, और इसका प्रोजेक्टर्स भी लग चुका है जो IPH617 ब्रो के प्रोजेक्टर है। आप लोग देख सक रहे हो गाइज ये थार उड़ीसा से आया हुआ है। अभी प्रोजेक्टर्स का सेटिंग चल रहा है गाइज। आप लोग देखो गाइज इसमें हम लोग लाइट्स का अलाइनमेंट कर रहे हैं। और गाइज आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ इसका जो रेयर लाइट है, जो टेल लाइट्स है, टेल लाइट्स भी ऑलरेडी लग चुका है गाइज। आप देखो टेल लाइट्स ऑलरेडी लग चुका है, बहुत ही खूबसूरत टेल लाइट है गाइज। और आप लोग देखो गाइज इसको, और डेफिनेटली गाइज कमेंट करो आप लोगों को ये थार कैसा लग रहा है गाइज। ऐसा ऐसा काम जब तक कंप्लीट हो जाएगा मैं पूरा एक बार वीडियोज आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा। मैं जैसा वादा करता हूँ मैं उसका वीडियोस डेफिनेटली दूंगा गाइज। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी, देखो गाइज ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो है आपका हिंज, डोर हिंज, डोर हिंज भी लग चुका है गाइज। ये देखो आई डोंट नो रात को कितना दिखाई देगा आप लोगों को गाइज, बट इसका डोर हिंज आप देखो गाइज, डोर हिंज भी लग चुका है। यस गाइज इसका सीट कवर्स भी काम चल रहा है गाइस, सीट कवर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। गाइस देखो इसका सीट कवर्स ऑलरेडी एक फ्रंट टू सीट्स ऑलरेडी लग चुका है। आप लोग देख सकते हो बाकायदा बहुत ही सुंदर फिनिश, बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश हुआ है, बहुत बेहतरीन फिनिश हुआ है गाइस। सर का रेड थार है तो रेड का कॉम्बिनेशन में एक सीट कवर्स हम लोग बनाया,
जैसा ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी रेट का कॉम्बिनेशन में हम लोग दे रहे हैं। सो गाइज आप लोग पूरा वीडियो के लिए बने रहिए, मैं आपको पूरा वीडियोस कंप्लीट हो जाने के बाद एक डेफिनेटली एक ओवरव्यू दूंगा गाइज। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड विद अस गाइज। सो गाइज थार में जो काम कर रहा है, अभी भी काम चल रहा है थार में, आप लोग देख सकते हो इसके अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा है। इसका फ्रंट हेडलाइट्स लग चुका है, आपका प्रोजेक्टर्स लग चुका है, DRL लग चुका है। सो गाइज इन बिटवीन हम लोग के पास और एक गाड़ी आ चुका है जो कि है क्रेटा, और क्रेटा में हम लोग जो लगा रहे गाइज आप देख सकते हो गाइज क्रेटा में हम लोग पाइनियर का लगा रहे, पाइनियर का अंडर सीट सबवूफर। यस गाइज कस्टमर को सिर्फ अंडर सीट सबवूफर चाहिए था, तो क्रेटा में भी काम चल रहा है। मैं क्रेटा का आई डोंट नो, क्रेटा में ऑलरेडी काम चल रहा है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद अस, आप लोग देखते रहिए कारक्राफ्ट कोलकाता। थैंक यू गाइज। तो फाइनली गाइज हम लोग थार कंप्लीट कर चुके हैं, एंड जैसा हमें वादा किया था आप लोगों को, थार पूरा दिखाऊंगा, आप लोगों को क्या क्या लगा है वो भी मैं पूरा दिखाऊंगा। सो एक मैं रिकैप दे देता हूँ, एक मैं छोटा सा बोल देता हूँ क्या क्या लग चुका है थार में। उसका हेडलाइट्स लग चुका है, उसका फॉग लाइट प्रोजेक्टर्स लग चुका है, DRL लग चुका है, UFO लाइट्स जो होता है वो भी लग चुका है, ग्रैब हैंडल लग चुका है, 70 मैट लग चुका है, सीट कवर्स लग चुका है, डोर हिंज लग चुका है, पीछे का टेल लैंप लग चुका है, रेयर रिफ्लेक्टर्स लग चुका है। सो बहुत कुछ लग चुका है गाइज। इसमें सबवूफर्स भी हम लोग लगा है जो कि ऑडिबल एक्स का है, जो कि एक्टिव सबवूफर्स है, 10 इंचेस एक्टिव सबवूफर्स। यस गाइज सो अभी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में दिखाने वाला हूं, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइज। गाइज हम लोग गाड़ी कंप्लीट कर चुके हैं, काफी रात हो चुका है। सो मैं जैसा वादा किया था आप लोगों को पूरा गाड़ी एक बार दिखाने के लिए, मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा गाइज। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ऑलरेडी हम लोग हेडलाइट्स लगा चुके हैं जो कि माइनस विथ रिंग है।
सो गाइज ये जब जलता है आप देखो इसका ब्यूटीफुल बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। इसका जब इंडिकेटर देते हैं गाइज, सो लुक एट द इंडिकेटर गाइज, बहुत खूबसूरत लगता है गाइज। आप देख सकते हो इसमें हम लोग जो किया है डीआरएल भी हम लोग चेंज कर चुके हैं, दैट इज एलईडी वाला डीआरएल। इसमें जो हम लोग किया है दैट इज फॉग लाइट गाइज, फॉग लाइट आप देख सकते हो, फॉग लाइट बहुत ही बेहतरीन लगता है फॉग लाइट। यस गाइज इसमें 3 कलर्स है आपका, जैसे कि फुल व्हाइट है, वार्म व्हाइट है एंड येलो है। यस गाइज फॉग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वार्म लाइट आपका बाई रोड्स पे जाने के लिए बहुत काम लगता है, एंड ड्यूरिंग डेंस आपका फॉग में ये येलो लाइट बहुत ज्यादा काम आता है गाइज। सो आप देख सकते हो ये येलो लाइट भी हो चुका है, ये व्हाइट भी होता है, ये वार्म व्हाइट भी होता है। यस गाइज सामने में ये नहीं किया और भी बहुत कुछ किया है गाइज, आप देख सकते हो यूएफओ लाइट। यस गाइज जो यूएफओ लाइट है दैट इज वेरी मतलब अट्रैक्टिव लुक है इसका, देखो आप गाइज बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही फ्लैट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगता है गाइज। इसमें और क्या काम किया हम लोग, यस गाइज मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, यस गाइज मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ इसमें जो हम लोग काम किया दैट इज अ डोर हिंज। गाइज आप लोग देखो डोर हिंज, आई डोंट नो कैमरा कितना सपोर्ट कर पा रहा है, कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट डोर हिंज, सी द डोर हिंज, ये रेड गाड़ी में ब्लैक डोर हिंज बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइज। तो इसमें मैं इंटीरियर दिखाने का पहले मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक बार पीछे में दिखा दूं इसका टेल लाइट्स, इसका रेयर रिफ्लेक्टर्स कैसा लगा गाइज। तो मैं इसका एक बार टेल लाइट दिखाना चाहता हूँ गाइज, आप लोग आइए इसका जो टेल लाइट्स है गाइज मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका जो टेल लाइट्स लगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है टेल लाइट गाइज। आप देख सकते हो इसमें थार लिखा हुआ है, इसमें जब हम लोग इंडिकेटर्स देते हैं तो इंडिकेटर्स भी आता है गाइज, और इंडिकेटर्स के साथ रेयर रिफ्लेक्टर्स भी इंडिकेट करता है। सो गाइज दिस रेयर रिफ्लेक्टर्स वी जनरली कॉल इट इन्फिनिटी स्टाइल रिफ्लेक्टर्स। सो गाइज इसमें और क्या काम किया, इसपे जो हम लोग काम किया दैट इज अ सबवूफर, एक्टिव सबवूफर। यस गाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्टिव सबवूफर हम लोग कैसे लगा। तो एक्टिव सबवूफर आप लोग देख सकते हो गाइज, दिस इज 10 इंचेस एक्टिव सबवूफर। एक्टिव सबवूफर मीन्स इनबिल्ट एम्पलीफायर का साथ। सो गाइज थार में जगह बहुत ही कम रहता है और कस्टमर्स को थोड़ा स्पेस भी चाहिए था, तो इसमें हम लोग एक्टिव सबवूफर ऑडियो ब्लेक्स का यूज किया जो कि बहुत अच्छा बेस है गाइज, आप जब सुनोगे तो बहुत ब्यूटीफुल। आप लोग जानते हो गाइज मैं अपना मनपसंद गाना सुना नहीं पाता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट गाइज यकीन मानो आप लोग तो मेरा बहुत सारा गाड़ी देखे हो, बहुत सारा ये चीज ऑलरेडी देख चुके हो, सो यू हैव गॉट अ बेटर आइडिया। सो गाइज इसमें हम लोग इंटीरियर में क्या क्या काम, सो गाइज इंटीरियर में हम लोग जो की है दैट इज ग्रैब हैंडल गाइज, ये ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो, इसमें कोई होल्स नहीं होता है गाइज, और ये जो हम लोग कॉम्बिनेशन दिया दैट इज रेड एंड ब्लैक। यस गाइज गाड़ी पूरा रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन किया। इसका जो सीट कवर्स आप देखो गाइज, सीट कवर्स बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ट्रेंडिंग सीट कवर्स में ये जाता है गाइज, एंड दिस इज फुल नापा प्यू। यस गाइज इसका सीट कवर्स का देखो बहुत क्यूट लगता है सीट कवर्स। सो गाइज सीट कवर्स का फिनिशिंग देखिए गाइज, बहुत बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आया। और गाइज और एक चीज दिखाने लायक है दैट इज अ 70 मैट, आप लोग देख सकते हो 70 मैट भी हम लोग कॉम्बिनेशन में किया गाइज, दैट इज ऑल्सो रेड एंड ब्लैक जो कि हम लोग ऑटोटेक का यूज किया। यस गाइज और एक चीज दिखाना है जो कि है आर्मरेस्ट। यस गाइज आर्मरेस्ट में हम लोग विथ चार्जिंग पोर्ट भी देते हैं गाइज, आर्मरेस्ट भी एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए गाइज आर्मरेस्ट और पीछे का रेयर आर्मरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है गाइज, आप लोग देखो, और ये बहुत क्यूट सा आर्मरेस्ट है और इसमें काफी ज्यादा स्पेस है आर्मरेस्ट में, आप बहुत सारा चीज कैरी भी कर सकते हो। सो गाइज टुडे अप टू दिस आप लोग बहुत सारा थार ऑलरेडी देख चुके हो, बट ये ओडिशा से थार आया हुआ है और ये काफी उनका जो जो रिक्वायरमेंट था वो कर चुके हैं और डे टू डे हम लोग को डिलीवरी करना था। सो गाइज मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जैसा प्यार मोहब्बत बरसा रहे हो ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहो, ऐसे ही लाइक्स देते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते हैं कार क्राफ्ट कोलकाता। सो गाइज टुडे अप टू दिस इज अमित फ्रॉम एक्सट्रीम शॉर्टले कोलकाता, थैंक यू गाइज।